Thank you.
पहले था कैसे गाएंगे ऐसे डर था थोड़ा झिझक थी, फिर बाद में आने के बाद कुछ नहीं। हमने हमारे विद्यालय से सीखा है। विद्यालय का नाम श्री सत्य साई अंध व मुक्त बधिर विद्यालय बाड़मेर। कलाकार बनना चाहते हैं सर। संगीत? हाँ जी सर। आपको क्या क्या बजाना आता है? हारमोनियम, तबला, ढोलक, ऑर्गन, बंसुरी, खंजरी, मंजीरा, ये सब बजा लेते हैं जी सर। और साथ में आप गाते भी हैं जी सर। एक थोड़ा बहुत आप सुनाएंगे कुछ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक लाइन सुना दो कोई। मन मान रावण अभिमानी और तू तो ठोकरी करम में कावे लो, जीतन राम मारो आवे लो, जीतन राम मारो आवे लो। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाड़मेर में जो टैलेंट मैंने देखा बच्चों में और युवाओं में बहुत ही बढ़ चढ़ के है। दिशा की थोड़ी ज़रूरत है या गुणजन हैं उनका परिचय उनसे होता रहना चाहिए, किसी भी माध्यम से होता रहे। तो यहाँ पे जो ये प्रतियोगिता कराई है इसके पीछे ये भी हमारा उद्देश्य रहा है कि बाड़मेर के जो गुणजन हैं वो भी अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर, संगीत के जो गुणजन हैं, और जो गुणजनों के संपर्क में नहीं है वो उनसे संपर्क करें और इस कला को बढ़ाए आगे, ताकि बाड़मेर का नाम देश में भी कर सके। और इसका मेन उद्देश्य यही है। विशेषकर जो निःशक्त जन जो बच्चे थे उनका जो संगीत के प्रति रुझान और जो उनकी गहराई संगीत के लिए और उनका जो हृदय उन संगीत के लिए धड़कता है वो देखते ही बनता था। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो गाते हैं तो, जब वो बजाते हैं तो। उसमें विशेषकर से ढोलक बजा के जो बच्चा गा भी रहा था तो ये एक बहुत विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर, भगवान ने कुछ उनको नहीं दिया तो भगवान ने उनको जीने की एक राह दी है और वो हम आज देखते ही बनता है। और मैं तो कोई शब्द नहीं मेरे को उनके लिए कहने के लिए, जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस आज यहाँ पे किया है वो अच्छे अच्छे जो देखते बनते होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी कला बहुत आगे तक जाए। हमारा तो यही है कि जितने भी बच्चे आगे जाते हैं उनको उससे आगे का मार्गदर्शन देंगे, और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं उनको सिलेक्शन कैसे हो सके उनका यहाँ के आगे कहीं और देश में बड़े बड़े चैनलों पे, उसके लिए उनको मार्गदर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम किसी को हराना और जिताना चाहते हैं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि आप प्रतियोगिताओं में किस तरह से भाग ले सकते हैं। ये इनकी तरफ रुझान बढ़ाने के लिए, जो कि आजकल जो मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएँ होती है तो टाउन के जो बच्चे जाते हैं बाड़मेर से या संभाग गाँव ग्रामीण अंचल से तो वहाँ पर वो निराश होकर ना आए, उन्हें हम जानकारी दें। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ आए हैं उनसे संपर्क बना रहे और हम उनके लिए वर्कशॉप करते रहें। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम उनको जानकारी प्रदान कराएं और उनको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कराएं। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर का विनर हो गया, वॉइस ऑफ बाड़मेर का विनर हो गया, नहीं, उसको देश का विनर बनाने के लिए हम उनको जानकारी देंगे।